हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज फ्लू गैस सर्कुलेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फ्लू गैस सर्कुलेशन बॉयलर में कैसा होता है और फ्लू गैस सर्कुलेशन से हमारा जो स्टीम जनरेशन होता है वो कैसे होता है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। बॉयलर का ओवरव्यू कुछ ऐसा होता है। फ्रेंड्स, मैंने ग्राफिक से मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं, ये कोल बंकर है, यहाँ पे कोल स्क्रू है, ये फर्नेस है अपना, ये पूरा बॉयलर है, ये इकोनोमाइजर है, एपीएच है, एयर फ्री हीटर और ईएसपी है, आईडी फैन और टैग। ये दोस्तों, ये कोल फायर्ड बॉयलर है, वाटर टू वर्टिकल। मैं आपको इस बॉयलर में कोल कंबक्शन कैसा होता है और उसका जो हॉट गैसेस है वो बॉयलर से सर्कुलेट होके एटमॉस्फेयर में कैसा निकलता है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले हम, इसमें फ्लू गैस सर्कुलेशन कैसा होता है यही देखने वाले हैं। अगली वीडियो में हम थोड़ा डीप में जाएंगे और स्टडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्टली डीप में गया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे भी पहले यही प्रॉब्लम था, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कोल हॉपर से। कोल हॉपर क्या होता है दोस्तों? ये जो है कोल हैंडलिंग प्लांट से आता है। इसमें कोल क्रश करके और वो हम बॉयलर में जलाने के लिए कोल हॉपर एक स्टोर करके रखते हैं, कोयला बॉयलर के पास ला करके। तो ये जो है ये कोल हॉपर है और इसमें जो है ये कोल है। ये कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स, कोल हॉपर में वेट भी लगा होता है। कोल कितना स्टोरेज है हमारे पास ये देखने के लिए इसका डिजाइन ऐसा होता है स्ट्रक्चर, और अलग टाइप का भी होता है। यहाँ पे कोल नीचे बॉयलर में फीड करने के लिए जो यहाँ पे नीचे ये दिया है जगह, वो दो टाइप का भी होता है, दो स्क्रू में भी होता है। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोल हॉपर है, एक टैंक के जैसा रहता है, उसमें कोल स्टोर करते हैं। और कोल हॉपर के नीचे लगाया होता है दोस्तों स्क्रू होता है, ड्रैग चेन होता है, रोटरी होती है। ये हमें कोल बंकर से ग्रेविटी से नीचे कोयला आता है और ये स्क्रू के ऊपर गिरता है, स्क्रू घूमता है और आगे कोयले को ढकलता है, और ये आगे ढकल के कोल ये फर्नेस में जाके गिरता है। कोल स्क्रू कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स, इसमें बंकर में से जो कोयला ग्रेविटी से आता है यहाँ पे अगर गिर गया तो वो आके वो ढकल के यहाँ पे ये नीचे से यहाँ पे फर्नेस में डाल देता है। तो कोल ढकलने के लिए ऐसे बहुत सारे स्क्रू के टाइप है, ऐसे स्क्रू होते हैं, कोल स्क्रू बोलते हैं इसको, और ड्रैग चेन भी होती है फ्रेंड्स। इस ड्रैग चेन के ऊपर कोल बंकर से ग्रेविटी से कोल आता है और आगे फर्नेस में चला जाता है, ये कोल को खींचते हुए आगे लेके जाती है। तो फ्रेंड्स, कोल स्क्रू, कोल ड्रैग चेन, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होती है कोल फीडिंग करने के लिए। यहाँ पे डैम्पर दिया है, बंकर से कोयला नीचे ग्रेविटी से जब आता है तो उसको थोड़ा हमको जितना क्वांटिटी में लगता है वो कोयला उतना हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इस डैम्पर से, और ये कोयला नीचे इसमें आके आगे फर्नेस में जाता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, फर्नेस में कोयला गिरता है और वहाँ पे फायरिंग होती है। और ये जो है, ये मैंने जो बताया है, ये कोल स्क्रू है, और ये जो है ये जो आपको दिख रहा है ये फर्नेस है, यानी कि हमारा जो कोयला फर्नेस में आके गिरता है उस फर्नेस के ऊपर, उस फायर बार के ऊपर कोयला हमारा कंबक्शन होता है, वहाँ पे फायरिंग होती है, और इसके नीचे से ऑक्सीजन यानी कि एयर आती है और ये कोयला यहाँ पे जलता है। ये ट्रैवलिंग ग्रेड फर्नेस मैंने आपको बताया है, इसमें फर्नेस में बहुत टाइप होते हैं, ट्रैवलिंग ग्रेड, पल्स ग्रेड, डंपिंग ग्रेड, हर्सुन फर्नेस, ऐसे बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, फर्नेस होते हैं। और ये ट्रैवलिंग ग्रेड मैंने आपको एक बताया है, ये जो है ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक पावर है, ये हाइड्रोलिक पावर इस ट्रैवलिंग ग्रेड को घुमाता है धीरे धीरे, और वो कोयला इसके ऊपर जलता है, और जो जलने के बाद जो ऐश होती है उसकी, वो ऐश नीचे कन्वेयर बेल्ट में गिरा देती है। तो फर्नेस का यहाँ पे टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स मिनिमम 750 होता है और मैक्सिमम 850 तक हम मेंटेन करते हैं। इससे ज्यादा अगर जाता है टेम्परेचर तो वहाँ पे क्लिंकर होने के चांसेस होते हैं। क्लिंकर यानी कि कोयला ओवरहीट होके उसका जो है एकदम हार्ड से पत्थर जैसे उसका क्लिंकर बन जाते हैं और वो हमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं फायरिंग करने के लिए। तो इसलिए हम मोस्टली 750 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करते हैं फर्नेस का टेम्परेचर। मैं आपको फर्नेस बताता हूँ कैसा होता है फर्नेस। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है फर्नेस, इस फर्नेस के ऊपर ये जो दिख रहे हैं आपको, इसको फायर बार बोलते हैं। इसके नीचे से एयर का प्रोविजन किया होता है और ये जो फायर बार है, फायर बार
से एयर निकलती है और कोल को लगती है और वहाँ पे फायरिंग होती है। कोल को जलाने के लिए एयर को हमें बहुत जरूरी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। इस फायर बार को छोटे छोटे होल होते हैं फ्रेंड्स, उस होल से ये एयर बाहर आती है और कोयले को मिलती है। तो ये धीरे धीरे घूमता है और यहाँ पे देखिए कन्वेयर बेल्ट नीचे होता है, इसके नीचे कन्वेयर बेल्ट होता है, उसमें वाटर होता है यानी कि पानी होता है कूलिंग के लिए, और ये एस उसमें गिर जाती है। यहाँ तक आने तक कोयला पूरा जल जाता है। पीछे में फायरिंग होती है, हमारी फीडिंग होती है कोल फीडिंग, वो जलते जलते हुए आता है, जलते हुए यहाँ तक आता है और पूरा यहाँ पे जल जाता है वो, और एस नीचे गिर जाती है। तो फ्रेंड साइड व्यू ऐसा है फर्नेस का। यहाँ से हम एफडी फैन का एयर डक्ट जोड़ते हैं क्योंकि हमें एयर चाहिए, इस तरफ से भी जोड़ते हैं और उस तरफ से भी एयर डक्ट होती है, दोनों तरफ से एयर जाती है, वो एयर आती है एफडी फैन से। इसमें फोर्स ड्रॉप होता है, जो कोयला को जलाने के लिए एयर यूज करते हैं उसको हम फोर्स ड्रॉप बोलते हैं, यानी कि एफडी फैन। ये जो हमारा फर्नेस है, अभी यहाँ से गैस सर्कुलेशन जो है हमारा, हॉट गैसेस सर्कुलेशन यहाँ पे ऐसा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ट्रैवलिंग ग्रेड है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऐसे नीचे अरेंजमेंट होती है ट्रैवलिंग ग्रेड की, और यहाँ से एयर देके ये फायरिंग ऐसी होती है अंदर, और ऐसे सर्कुलेशन होके इस डाउन कमर जोन में जाती है। आप ये बॉयलर में स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हम फ्लू गैस को डाइवर्ट करते हैं, जिधर जरूरत है उधर हम फ्लू गैस को, हॉट गैसेस को डाइवर्ट करते हैं। उसके लिए हम अंदर बैफल लगाते हैं, यानी कि ट्यूब जो होते हैं उस ट्यूब के बीच में हम प्लेट लगाते हैं, बैफर लगाते हैं, इस वजह से वो डाइवर्ट हो जाता है। जैसे हमको सर्कुलेशन चाहिए उस तरफ हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में आपको पता है क्या होता है, इकोनोमाइजर में वाटर जो है वो हॉट होता है, और ये जो है इकोनोमाइजर बॉयलर का एसेसरीज है, यानी कि बिना इकोनोमाइजर के भी बॉयलर चल सकता है। जो इक्विपमेंट हम बॉयलर को नहीं लगाते हैं और लगाते भी है वो इक्विपमेंट एसेसरीज होता है, और जो इक्विपमेंट हम बॉयलर को नहीं लगाते हैं तो उसके बिना हमारा बॉयलर चलने ही वाला नहीं है, उसको हम माउंटिंग बोलते हैं। माउंटिंग और एसेसरीज, इस दोनों में जो डिफरेंट है, जो उस इक्विपमेंट के बिना बॉयलर नहीं चलता है उसको माउंटिंग बोलेंगे, और जो इक्विपमेंट है उसके बिना भी चलता है यानी कि उसको बाईपास किया तो भी चलता है और नहीं है वहाँ पे तो भी चलता है, उसको एसेसरीज कहते हैं। आप ये ध्यान में रखिए, बॉयलर में जो है माउंटिंग और एसेसरीज, ये दोनों का बहुत महत्व है। मैं इस माउंटिंग और एसेसरीज के ऊपर स्पेशल वीडियो बना के आपको दूंगा, बॉयलर में कौन कौन से इक्विपमेंट माउंटिंग में आते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट एसेसरीज में आते। चलिए देखते है इस इकोनोमाइजर में कैसा फ्लू गैस सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्नेस है, ये फर्नेस से आके डाउन कमर जोन से आके आउटलेट हो गया यहाँ पे, यानी कि जो बॉयलर में कंबक्शन हो रहा था अभी वो बॉयलर में सर्कुलेशन होके, हॉट गैसेस सर्कुलेट होके यहाँ पे आउट हो रहा है। तो जहाँ पे बॉयलर का फ्लू गैस आउट होता है वहाँ पे इकोनोमाइजर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो फ्लू गैस का टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, मैं फिक्स वैल्यू में नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक बॉयलर का अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर होता है, यानी कि कैपेसिटी के ऊपर वो बॉयलर कौन सा है, हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इक्विपमेंट आगे क्या क्या है, आगे हमें कितना टेम्परेचर लेके जाना है, वो डिपेंड करता है बॉयलर के कैपेसिटी के ऊपर, और उसका जो टाइप है वाटर ट्यूब है या फायर ट्यूब है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा कि कितना है, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे होता है फ्रेंड 350 डिग्री से लेके 450 डिग्री तक होता है, मैक्सिमम 450 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर कौन सा भी बॉयलर में नहीं जाएगा। आप 300 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक पकड़े तो भी चलेगा, आप फिक्स वैल्यू मत पकड़िए फ्रेंड्स, मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 300 से 400 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर में होता है फ्रेंड्स इकोनोमाइजर फ्लू गैस इनलेट, यानी कि बॉयलर फ्लू गैस आउटलेट। तो इकोनोमाइजर में ये जो कॉइल है ये हीट ऑब्जर्व करके वाटर को गर्म कर देती है, यानी कि हॉट कर देती है, और वो टेम्परेचर यहाँ पे इकोनोमाइजर का जो है फ्लू गैस आउटलेट का वो होता है 150 to 250 तक, यानी कि 150 से 250 तक यहाँ पे हम आउट करते हैं। डिपेंड करता है और आगे क्या इक्विपमेंट है उसके हिसाब से हम इकोनोमाइजर का जो फ्लू गैस टेम्परेचर है
वो आउट करते हैं। तो इकोनोमाइजर मैंने पिछली वीडियो में भी ये ग्राफिक्स आपको बताया है, ये जो है इकोनोमाइजर है, इसके अंदर यहाँ से ये आउट हो रहा है, वो फ्लू गैस इसके अंदर जाके कॉइल के बाहर से फ्लू गैस लगे यहाँ पे नीचे से आउट हो जाती है, और ये कॉइल गर्म होके वो जो वाटर है वाटर हीट ऑब्जर्व करके वो स्टीम ड्रम में जाता है। कुछ इस प्रकार भी कॉइल होती है फ्रेंड्स। इकोनोमाइजर का जो डिजाइन है वो अलग अलग होता है, और आप कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, इकोनोमाइजर में मैंने जो बताया वैसा ही होता है, कॉइल का डिजाइन अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है हमारा एपीएच। एपीएच यानी कि एयर फ्री हीटर। एपीएच क्या काम करता है, वो जो एयर है हमारा जो एफडी फैन है यहाँ पे, ये एफडी फैन मैंने आपको बताया क्यों लगता है, ये फोर्स ड्रॉप है, हमको कोल कंबक्शन करने के लिए लगता है। यहाँ पे हम एयर लेते हैं, ये एयर कहाँ से आती है, ये आती है क्लाइमेट। अभी एपीएच में क्या होता है, ये जो ट्यूब है इसके अंदर से फ्लू गैस जाती है, इकोनोमाइजर आउटलेट से फ्लू गैस यहाँ पे एपीएच में इनलेट हो गई है, और वो एपीएच में ट्यूब के अंदर से फ्लू गैस जाती है, इंटर करती है, और यहाँ पे प्लेट होती है, प्लेट को वेल्ड करके ट्यूब होती है, दोनों साइड में प्लेट होती है, ये दिख रहा होगा आपको, ये दोनों साइड में, और जो फ्लू गैस है ये ट्यूब के अंदर जाती है और यहाँ से ट्यूब के बाहर से निकल जाती है, और जो दोनों साइड से प्लेट लगा हुआ है और जो ट्यूब के बाहर से है, हम ये क्लाइमेट का जो एयर प्रेशर लिया है वो एयर यहाँ पे गर्म कर लेते हैं, यानी कि हॉट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड हम यहाँ पे अगर कूल्ड एयर डालेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो सकता है, और डाउन होता ही है, इसलिए हम एपीएच यहाँ पे देते हैं। ये बॉयलर का एसेसरीज है, अगर हमने इसको नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन अगर एपीएच दे दिया तो बॉयलर का थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। यानी कि आपको आसान तरीके से बताएंगे तो जो हमारा क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 35, 38, 40 तक होता है, तो यहाँ पे हम उस ईयर का जो टेम्परेचर है यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस तक आउट करते हैं, यानी कि यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस तक एयर का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, और वो जो टेम्परेचर है इस फर्नेस के नीचे से हम छोड़ते हैं तो फर्नेस में ज्यादा टेम्परेचर डाउन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और हमें ऑलरेडी हॉट गैसेस मिल जाती है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड, जो हमारा फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है वो जो बाहर जा रहा है वो वेस्ट है, यानी कि हमको फ्लू गैस टेम्परेचर से कोई फायदा नहीं है, तो हमने क्या किया, वहाँ पे जो वेस्ट जा रहा है उसको हमने रिकवर कर लिया, यानी कि हमारा जो हीट है वो वेस्ट हो रहा था उसको हम एपीएच के द्वारा रिकवर कर लिया, हमने उसको प्रॉपर यूज कर लिया, इसलिए एपीएच होता है। कौन से बॉयलर में होता है, कौन से बॉयलर में नहीं होता है, डिपेंड करता है, अगर बॉयलर हाई प्रेशर है तो एपीएच जरूर वहां पे होता है, एफबीसी बॉयलर में तो कंफर्म होता ही होता है। तो फ्रेंड्स एपीएच का जो है फंक्शन वो एयर को हीट करता है, और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। एयर को हीट करने के वजह से हमारा जो बॉयलर का है कुछ परसेंट में इफिशियंसी बढ़ जाता है, जैसे इकोनोमाइजर में हमने इफिशियंसी बढ़ाया है वैसा ही एपीएच में इफिशियंसी बढ़ जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एफडी फैन है, एफडी फैन का डिजाइन कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ से क्लाइमेट का एयर वो अंदर लेता है और यहाँ से उसको प्रेशराइज करके यहाँ से आउट होता है, यानी कि ये एफडी फैन का सक्शन है और ये डिस्चार्ज है, उसको मोटर का अरेंजमेंट होता है ऐसा, बेल्ट से भी होता है उसको घुमाने के लिए, और डायरेक्ट ये जो मोटर है इस शाफ्ट को भी जोड़ देते हैं, इसका हम बेरिंग टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करते हैं, इसको ग्रीसिंग ऑयलिंग वगैरह पीएम वगैरह हम इस इक्विपमेंट में पीएम करते हैं, सब इक्विपमेंट में पीएम कैसे करना चाहिए, उस इक्विपमेंट का क्या ख्याल रखना चाहिए, हम इसके ऊपर एक एक इक्विपमेंट के ऊपर स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे। ये जो एफडी फैन है इसका डिस्चार्ज प्रेशर है यहाँ पे आया, ये जो एयर है एफडी फैन का यहाँ पे इन किया, इसमें भी बैफल होते है, बैफल यानी कि एयर को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे 2-3 बार हमने इसको घुमाया है एयर को, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर से हॉट गैसेस आ रही है, हमने डायरेक्ट यहाँ से डाला और यहाँ से निकाल दिया तो इतना टेम्परेचर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ट्यूब के अंदर प्लेट लगा दिया, तो हुआ क्या, अभी एयर इन हो गया, यहाँ से गर्म हो गया और यहाँ से गर्म हो गया और यहाँ से गर्म, यानी कि हमारा टेम्परेचर एयर का बढ़ गया और फ्लू गैस का कम हो गया, फ्लू गैस यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट होता है। और ये जो बताया है नीचे का, इसके अंदर जो भी कोयले का हार्ड पार्टिकल होता है यानी कि डस्ट, वो यहाँ से नीचे गिर जाता है बाय ग्रेविटी से,
यहाँ पे आरईवी लगा हुआ होता है। आरईवी के ऊपर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, आरईवी बॉयलर में कहाँ कहाँ होता है, उसका क्या यूज होता है, उससे फायदा क्या होता है, फिलहाल आप ये समझिए। तो फ्रेंड्स टेम्परेचर में डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइंट होते है इसके अंदर, जैसा ये घूमता है वैसा एक्सपेंशन ज्वाइंट ये उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लू गैस इन हो गया इसके अंदर, यहाँ से आउट हो गया, एयर यहाँ से इन हो गई, यहाँ पे सर्कुलेशन हो गया, एयर बॉक्स है और यहाँ से टकरा के फिर से वापस यहाँ पे एयर हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको एयर इनलेट यहाँ से बताया और आउटलेट यहाँ से बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ऐसे हो सकता है, नहीं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन में जो है बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं और डिजाइन अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए हमें ये समझना है एपीएच में एयर जो है हमारा कंबक्शन के लिए हम जो एयर लेते हैं वो एयर फ्री हीटर में हम हॉट करके वो फर्नेस में छोड़ते हैं, आपको इतना ही समझना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है ईएसपी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्या काम करता है, ये जो है फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अभी तो इसके बिना बॉयलर होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो है पोल्यूशन बहुत कम कर देता है। जो बॉयलर से पोल्यूशन होता है क्लाइमेट में यानी कि जो फाइन डस्ट होती है हम उसको कैच नहीं कर पाते, उसको फिल्टर भी नहीं कर पाते है, वो जो डस्ट है स्टैक से बाहर निकलती है वो डस्ट यहाँ पे कलेक्ट करते है। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक के ऊपर चलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो मैंने बताया ये ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि क्या होता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आता है वो 420 वोल्टेज का आता है, तो यहाँ पे वोल्टेज बहुत बढ़ा दिया जाता है, 50,000 60,000 तक यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है और ये निगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा पार्टिकल्स होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव आपको मैंने बताया है पहले से ही, पॉजिटिव जो है और निगेटिव जो है दोनों का रिलेशन अट्रैक्टिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव जो भी पार्टिकल्स होते हैं फाइन डस्ट माइक्रोन में 0.003 तक जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे पकड़ लेता है, आगे नहीं जाने देता है। तो बचा क्या इस फ्लू गैस में, जो हॉट गैसेस होती है ओनली एयर होती है वो गर्म होती है वो ही आगे जाता है, इसमें पार्टिकल जो है वो कलेक्ट होते है और इसको हैम्बर करके नीचे आरईवी से नीचे छोड़ देते हैं। आपको इतना ही समझना है इस वीडियो में, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये पोल्यूशन रोकने के लिए है, इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत माइक्रोन में जो पार्टिकल है वो कलेक्ट करना इसका काम है, के अंदर से कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे फ्लू गैस इन होती है और यहाँ से फ्लू गैस आउट होती है, इसके अंदर प्लेट्स लगाए हुए होते हैं फ्रेंड, और ये जो दिख रहा है आपको ये ट्रांसफार्मर में मल्टी स्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं, कहाँ पे अगर बॉयलर छोटा है उसका कैपेसिटी छोटी है, बॉयलर छोटा है उसकी कैपेसिटी कम है तो ट्रांसफार्मर एक भी हो सकते हैं। मैंने आपको तीन बताया इसलिए ऐसा नहीं कि वहाँ पे तीन ही होना चाहिए, पांच भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। इसका फंक्शन आपको मेन मालूम चाहिए, ट्रांसफार्मर कितना भी होने दो। और जो मैंने वोल्टेज बताया इसका, इसके अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं जैसे बॉयलर का जो कंबक्शन हो रहा है वो प्रॉपर होता है कि नहीं होता है, बॉयलर का डिजाइन कैसा है, उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है, बॉयलर के कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 50-60 हजार बताया है, यहाँ पे 80,000 यानी कि 80,000 90,000 की 1,00,000 तक भी वोल्टेज यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको इतना समझना है कि यहाँ पे स्टेप अप यानी कि वोल्टेज बढ़ा के जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट के अंदर चिपक जाते हैं और नीचे से हॉपर से वो रिमूव हो जाते हैं, यहाँ से ओनली हॉट गैसेस बाहर निकलती है। तो प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये ईएसपी का स्ट्रक्चर, यहाँ से फ्लू गैस इन है और यहाँ से आउट है और आईडी फैन से होके वो स्टैक में आउट हो रहा है, यहाँ से ये जो है ये हॉपर है नीचे वाले, यहाँ पे डस्ट हैम्बर करके डस्ट जो नीचे आता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, तीनों भी एस के है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते है, अभी यहाँ पे इसमें आया आईडी फैन, आईडी फैन यानी कि इंड्यूस ड्रॉप, ये होता है निगेटिव ड्रॉप ये क्रिएट करता है। निगेटिव ड्रॉप क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो कोल कंबक्शन करते हैं, जो फर्नेस है इसके अंदर फोर्स ड्रॉप नीचे से हमने दिया है
एपीएच से निकाल के, यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस का एयर हमने यहाँ पे दिया है और यहाँ पे वो कम्बक्शन होके इसका टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस से लेके 850 डिग्री सेल्सियस तक बन जाता है फर्नेस में टेम्परेचर। तो उसका जो प्रेशर है, हम यहाँ पे पूरा उस प्रेशर से यहाँ पे इस फ्लू गैस का सर्कुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा इस स्टैक के बाहर, यानी कि चिमनी के बाहर वो फ्लू गैस निकल जाए, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इतना प्रेशर हमने यहाँ पे क्रिएट किया तो यहाँ पे जो बॉयलर का डक्ट है, यानी कि पीएमएस प्लेट का जो डक्ट है, वो फट सकती है, ओवर हीट हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव ड्रॉप रखते हैं। तो नेगेटिव ड्रॉप कैसे रखते हैं, ये जो आईडी फैन है सेम एफडी फैन जैसा होता है फ्रेंड, सिर्फ फर्क इतना होता है इसका जो सक्शन मैंने आपको बताया था, ये सक्शन हमने यहाँ पे ESP का जो आउटलेट है यहाँ पे जोड़ दिया, क्योंकि अभी ये जो फैन है ये क्लाइमेट से एयर खींच रहा था, अभी ये जो फैन है यहाँ ये ESP के अंदर का एयर खींच रहा है, यानी कि इतना सक्शन कर रहा है कि ये जो इसका जो फोर्स है FD फैन का, वो उसको बहुत आसान हो गया है और यहाँ तक उसका प्रेशर होता है खींचने का, उसमें जो कैपेसिटी होती है फर्नेस तक वो खींचता है, इसलिए इसके अंदर जो हॉट गैसेस है और हॉट गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो उसको सर्कुलेशन होने में बहुत आसान हो जाता है, और हर एक जगह पे हम इकोनोमाइजर के बॉटम साइड से थोड़ा सा जो हार्ड पार्टिकल है वो निकाल लेते हैं, उससे भी ज्यादा हेवी पार्टिकल होता है वो एपीएच में निकल जाता है और बाकी जो बचता है वो ESP में निकाल लेते हैं। तो FD फैन और ID फैन में फर्क इतना है, ये नेगेटिव ड्रॉप क्रिएट करता है और ये पॉजिटिव ड्रॉप क्रिएट करता है। डिजाइन दोनों का सेम होता है, कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपको ये सोचना नहीं है कि ID फैन कैसा होगा और FD फैन कैसा होगा, सेम जो दोनों का जो काम है एक ही है, सिर्फ फर्क इतना है ये क्लाइमेट से एयर खींचता है और ये बॉयलर का जो हॉट गैसेस है वो खींच के टैंक से बाहर निकाल लेता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये सक्शन है ID फैन का और ये डिस्चार्ज है, ये जो सक्शन है हमने ESP का जो आउटलेट का डक्ट है वहां पे जोड़ दिया, तो ये बाहर से हवा नहीं खींचने वाला, और जो नेगेटिव ड्रॉप क्रिएट होने वाला है वो इस डक्ट के अंदर ही भी होने वाला है, ESP में होगा, APH में होगा, इकोनोमाइजर में होगा और फर्नेस में होगा, इसलिए हमें फ्लू गैस का जो सर्कुलेशन है वो बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो फर्नेस में फायरिंग होती है, फर्नेस से लेके यहाँ पे जो फ्लू गैस टकराता है एरिया को हम कम्बक्शन चैम्बर बोलते हैं, यानी कि फर्नेस टू कम्बक्शन चैम्बर, कम्बक्शन चैम्बर टू कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन से बैंक जोन, बैंक जोन से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से APH, APH से ESP, ESP से ID फैन, ID फैन से स्टैक और स्टैक से इन क्लाइमेट, यानी कि हमारा जो फ्लू गैस सर्कुलेशन है ऐसा इस प्रकार होता है। ID फैन का जो है स्ट्रक्चर ये ऐसा इस प्रकार होता है, ID फैन और FD फैन में कोई डिफरेंट नहीं, फर्क इतना ही है, हम ID फैन जो है बॉयलर का जो आउटलेट का फ्लू गैस है उसको सक्शन दे देते हैं और डिस्चार्ज स्टैक को दे देते हैं, इसलिए वहां पे नेगेटिव ड्रॉप क्रिएट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ID फैन का है, और ये जो डक्ट दिख रही है आपको ये ESP से आउट होके आई है, यानी कि ESP आउटलेट फ्लू गैस, तो यहाँ पे इसको ये डक्ट जोड़ दिया, इसको चालू कर दिया, तो यहाँ पे ये सक्शन करेगा और ये डिस्चार्ज स्टैक में कर देगा, तो बाहर से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है ये सक्शन क्रिएट करता है। बॉयलर में फायरिंग करने का जो प्रोसीजर होता है वो अलग अलग प्रकार होता है, ये तो आप देख सकते हैं ये फर्नेस है और ये जो है एयर फ्री हीटर है, एयर फ्री हीटर से हमारा एयर इसको जा रही है और ये ऊपर से जो आ रही है यहाँ पे वो फ्लू गैसेस है हमारा, हॉट गैसेस, ये विंड बॉक्स है फायरिंग का, और ये जो सीधा जा रही है कम्बक्शन चैम्बर में, यानी कि यहाँ पे जो है सुपर हीटर है, सेकेंडरी सुपर हीटर और प्राइमरी सुपर हीटर इकोनोमाइजर से होके APH में यहाँ पे जा रही है एग्जॉस्ट टू स्क्रबर, यानी कि आगे जो है स्क्रबर है और ये इकोनोमाइजर है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वाटर है कैसा हॉट होता है, और वो वाटर इकोनोमाइजर से स्टीम ड्रम में आ जाता है। अभी स्टीम ड्रम में आपको पता है 50% लेवल होता है और डाउन कमर से पानी वाटर यानी कि नीचे जाता है और वो जाता है फर्नेस के साइड हेडर साइड वॉल ट्यूब में, ये जो ट्यूब है ऐसा हॉट होके ऊपर फिर से वाटर स्टीम ड्रम में चला जाता है। तो आप देख सकते हो इसके नीचे से जो पहला दिख रहा है ये जो है
सेकेंडरी सुपर हीटर कॉइल है, हमको फिर से हीट करना होता है। और ये स्टीम ड्रम से होके यहाँ से जो रेड कलर में आपको बता रहा है वो सुपर हीटर में आ रही है स्टीम, और वो प्राइमरी सुपर हीटर में जाएगी सबसे पहले, और उसके बाद सेकेंडरी सुपर हीटर, और सुपर हीटर से डायरेक्ट स्टॉप वाली। तो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज को जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।